अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सोमवार को शांति भवन, साइबर थाना एवं महिला थाना में अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह जिला की योग प्रभारी पूनम बर्नवाल के द्वारा कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए योग कराया गया, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए कौन से आसन प्राणायाम कर सकते हैं व हमारे शरीर के अंदर कैसे इम्यूनिटी पावर बढ़े और ऑक्सीजन लेवल योग के माध्यम से कैसे बढ़े, इसके बारे में बताया गया। मौके पर मुख्य रूप से शांति भवन से कौशल भगवान, उर्मिला बाई, पुरुलिया से मीरा बाई, अनीता बाई आदि उपस्थित हुई और महिला थाना एवं साइबर थाना से सह प्रभारी ललिता कुजूर, एएसआई अरुण कुमार पांडे आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित हुए। आपकी हड्डी बिल्कुल सीधी जानी चाहिए और मस्तिष्क से ही हमारा पूरा जीवन संचालित होता है। शरीर काम नहीं कर रहा है तो आप श्वास लीजिए और छोड़िए, तुरंत से ही एनर्जी। जब भी श्वास लें और छोड़े तो एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चाहे आप भोजन करते हो, चाहे आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, हर पल योग का परिचय होते रहता है। जब हम साधना करते हैं, जब हम गुरु से साक्षात्कार होते हैं, जब हम सूक्ष्म रूप में योग वही चीज है। बहुत सरलता से हम योग करके हम परमात्मा से मिल सकते हैं, वो क्षण ही लेकिन जरूर। इससे हमारे शरीर में जमा हुआ अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महिला थाना एवं साइबर थाना के स्टाफगण, पूर्व पार्षद पूनम बर्नवाल और अभी योग शिक्षिका हैं जो हमारे बीच आई और हमें योग के बारे में बताकर हमें योग अभ्यास कराई, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे प्रतिदिन समय निकाल कर करना चाहिए, जो हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। योगा दिवस के अवसर पर पूरे महिला थाना के कर्मियों द्वारा इसका सराहनीय स्वस्थ रहने हेतु बहुत ही अच्छा ढंग से प्रेरणा मिली और सभी लोग योग का लाभ उठाए। जैसा कि प्रभारी महोदय का आदेश था, इसमें सभी लोग का ऐसे भी स्वेच्छा से यह दिवस बहुत ही सराहनीय और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए निर्वाहन के लिए हम लोग आज इसमें खुले दिल से साथ देकर इसमें भाग लिए। सभी को उत्सुकता और हर्ष है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे जहां पूरा विश्व आज योग में होता है और सभी योग के फायदे जानते हैं, वहीं आज महिला थाना गिरिडीह एवं साइबर थाना गिरिडीह में भाई बहनों ने योग किया। शांति भवन में अध्यात्म से जुड़ी सभी बहनों ने भी योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए संकल्प कृत हुआ।